नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। 50 साल की उम्र में अपने ही बेटे की बहू से किया इश्क, जिस बेटे को अपने हाथों से गोदों में खिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, उसके बाद सेहरा बांधकर ससुराल से बहू को डोली में विदा करा के लाने वाले पिता ने ही अपने बेटे की बहू को प्यार के जाल में फंसा लिया और फिर कोर्ट मैरिज करके भगा ले गया। जी हाँ, दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद के कस्बा फरिया का है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मी के पद पर तैनात 50 वर्षीय शिल्पी नामक व्यक्ति के पुत्र ने अपने ही पिता पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा कि मेरा पिता मेरी पत्नी को अपनी सरकारी नौकरी से आई हुए तनख्वाह का लालच देकर इश्क फरमाने लगे, लालच देते रहे और मेरी पत्नी को अश्लील वीडियो भी दिखाने लगे। एक दिन मैंने अपने पिता और अपनी पत्नी को कुछ आपत्तिजनक हालत में देखा तो मेरे होश उड़ गए। जबकि पुत्र के द्वारा बताया गया कि मेरी माँ भी जीवित है और ना ही मेरी माँ ने पिता को तलाक दिया है और ना ही मेरी पत्नी का मुझसे तलाक हुआ है, तो आखिर कैसे कोर्ट मैरिज हो गई। पीड़ित ने कानून से न्याय की गुहार लगाते हुए थाना फरिया में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि पीड़ित की आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी और फूट फूट कर रोने लगा। इधर मां के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। पुत्र एक ही बात बोल रहा था कि पिता, तुमने तो सारे रिश्तों की हदें ही पार कर दी, तुम्हें इश्क फरमाने के लिए कोई और क्यों ना मिला, मेरी पत्नी के साथ इश्क क्यों फरमाया। अब देखना यह होगा कि पुलिस के उच्च अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। खास रिपोर्ट देखिए रवि वशिष्ठ के साथ। अब ये हुई है, हमारे लड़का की बहू को हमारे पति रख रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर ली है साहब। अच्छा, आपको पता नहीं था ये सब? नहीं साहब, मुझसे मना करते रहे थे, मुझे नहीं मालूम थी। हम कहते थे तो मेरी मारपीट करते थे। आपने इस संबंध में कहीं पुलिस थाने या किसी उच्च अधिकारी से प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, की थी साहब, थाने में मैंने कही थी। तो मैंने कही थी तो एसओ साहब ने उसको उसके मायके भिजवाया था और साहब 10 दिन के अंदर इस आदमी ने बिहार से बुलवा ली। बिहार में है इसका मायका। सर, मेरी बीवी को रख रहा है मेरा बाप और हम गरीब परिवार से हैं, न मेरा घर है न मकान है रहने के लिए। मैंने इनको बाप का दर्जा दिया पर इन्होंने बेटा का दर्जा नहीं दिया हमको। मैं अपने परिवार को इनके पास छोड़ गया था विश्वास पे। इन्होंने मेरी बीवी को बातों में फंस के इन्होंने प्यार का संबंध बना लिया, इनके साथ में कोर्ट मैरिज कर लिया। 4 महीने से रह रही है इसके साथ में और मैं इसको मायके छोड़ के आया हूँ। मायके से इन्होंने 10 दिन के अंदर में बुला लिया है। एक दिन मैंने इनको रूम में देखा था तो मेरी बीवी गई थी चाय देने के लिए मेरे बाप को, तो मैंने माँ से पूछा था। सुबह उठा मैंने कि मम्मी कहाँ है वो, कि वो तो पापा को कमरे में गई है चाय देने। तो करीब आधा घंटा हो गया था तो उसमें मतलब फिल्म चली थी, सेक्सी फिल्म दिखा रहा था मेरी मैडम को, तो मतलब वो अपने रूप में आ गई थी। तो जैसे ही मैं किया हूँ वैसे ही कागज उसने उसके गले में से हाथ निकाल के अलग कर दिया था। बस ये था, मैंने आंखों से देखा था और मैंने बोला था, मधु मैंने ये क्या कर रही है तू? अरे कुछ नहीं, मैं तो बैठी हूँ पापा जी के द्वार, बस इतनी बात मेरे से बोली, उसी में चला आया था। देखिए, कल थाना फरिया पे एक महिला ने एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन के अनुसार उनका ये कहना है कि उनके जो पति हैं उन्होंने जो आवेदिका हैं इनका इनकी शादी पहले हुई थी एक व्यक्ति से, उनका एक पुत्र है, उसकी बहू को इस व्यक्ति ने जो इनके अभी वर्तमान में पति हैं वो लेकर के कहीं चले गए हैं। इस एप्लीकेशन पे अभी जांच की जा रही है। उनका आरोप ये भी है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है उसके साथ। तो इन सभी तथ्यों की जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात आ रही है कि वो उसके लड़के की बहू थी तो देखिए आवेदिका है, आवेदिका की पहले शादी हुई थी जसराना के गड़ीवान मोहल्ले में एक व्यक्ति से, उनसे एक पुत्र था, उस पुत्र की शादी हुई थी और उसके बाद उनकी जो आवेदिका है इनके पति के मृत्यु के बाद से इन्होंने अपनी शादी पुनः जो आरोपी है उनके साथ की थी। और आरोपी और जो उनका लड़का था उसकी बहू के संबंध के बारे में इन्होंने आरोप लगाया है और उसके बाद उसको लेकर के कहीं वो चले गए हैं और वही कोर्ट मैरिज का आरोप लगाया जा रहा है। क्या करते हैं ये? ये बेसिकली पीएचसी है फरिया में, वहां पर चौकीदार का काम करते हैं।